ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 8 महीने पहले जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उनका गृह राज्य हिमाचल प्रदेश झूम उठा था। यह पहला मौका था जब हिमाचल का कोई भाजपा का नेता इस शीर्ष पद पर पहुंचा हो। हिमाचल को नड्डा के अपने होने का बहुत गर्व हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ भाजपा के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। यही नहीं, हिमाचल के भाजपाइयों को भी यह गुमान था कि हमारी बात सीधे दिल्ली आलाकमान में सुनी जाएगी। कई दिनों से हिमाचल के भाजपा नेता पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर टकटकी लगाए हुए थे। शनिवार को जेपी नड्डा ने नई टीम यानी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के नेताओं के नामों का ऐलान किया तो हिमाचल प्रदेश भौचक्का रह गया। जयप्रकाश नड्डा के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से भाजपाइयों को काफी उम्मीदें थी कि हमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देंगे, लेकिन नड्डा को अपने ही गृह राज्य में नई टीम के लिए कोई काबिल नेता दिखाई नहीं दिया। दूसरी ओर नड्डा ने अपनी टीम में लगभग सभी राज्यों के नेताओं को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया है। जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों में हिमाचल के किसी नेता को लेने के बजाय बाहरी राज्यों को ही तहरीज दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की जारी सूची में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव, 1 राष्ट्रीय संगठन मंत्री, 3 राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव, 13 राष्ट्रीय सचिव, 23 राष्ट्रीय प्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष, 1 संयुक्त कोषाध्यक्ष, 1 केंद्र कार्यालय सचिव, 1 राष्ट्रीय आईटी प्रभारी और भाजपा के मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन अफसोस, इन सभी में से हिमाचल प्रदेश के किसी नेता को शामिल नहीं किया गया है। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश का रहा जलवा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में एक बार फिर उत्तर प्रदेश का जलवा दिखाई दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के नेताओं पर सबसे ज्यादा अपना भरोसा जताया। कई नई चेहरों को राष्ट्रीय टीम में पहली बार मौका मिला है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के धौरहार से सांसद रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बस्ती से सांसद हरीश त्रिवेदी को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। यूपी से सबसे ज्यादा पदाधिकारी बनाए गए हैं। इनमें जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल का है। कभी यूपी बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे राजेश अग्रवाल अब राष्ट्रीय टीम में इसी पद पर आ गए हैं। पहली बार यूपी से राज्यसभा सांसद बने सैयद जफर इस्लाम को यहाँ के कोटे से राष्ट्रीय टीम में प्रवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से विनोद सोनकर, गौरव भाटिया, शिव प्रकाश, सुधांशु त्रिवेदी भी भाजपा की टीम में शामिल किए गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।